है कि यहाँ इतना पैसा रखने वाले लगाएंगे, यहाँ इतना पैसा रखने वाले लगाएंगे, यहाँ ठाकुर लगाएंगे, यहाँ ब्राह्मण लगाएंगे, यहाँ हरिजन लगाएंगे, यहाँ तेली लगाएंगे, यहाँ लोहार लगाएंगे। क्या इस तरह की लाइन लगती है क्या कहीं? अगर लगती है तो बता दीजिए, नहीं लगती ना तो बताइए भैया। उसी लाइन में 1 अरब रुपए रखने वाला व्यक्ति भी लाइन लगाएगा, और उसी लाइन में जो मरहे में झोपड़ी में चूल्हा पालने वाली महिला भी लाइन लगाएगी। बताइए, भारतीय लोकतंत्र ने वह शक्ति आपको दिया है कि पूंजीपति भी उसी लाइन में पीछे खड़ा होगा, माफिया भी उसी लाइन में खड़ा होगा। बताइए भैया, मैं पूछना चाहता हूं कि आप वोट देते हैं तो कितना गिना जाता है? विधायक जी आप देते हैं कितना गिना जाता है? एक गिना जाता है। बताइए भैया, जब ये देते हैं तो भी एक गिना जाता है, झोपड़ी से निकली महिला की ओर तो भी एक गिना जाता है, और यहाँ का सबसे बाहुबली नेता, सबसे पूंजीपति एक गिना जाता है। क्या उसका 10 गिना जाता है? क्या गिना जाता हो तो बताइए, नहीं गिना जाता। तो जब उसका भी एक, हमारा भी एक, इनका भी एक, उनका भी एक, तो शक्ति बराबर हुई कि नहीं हुई? शक्ति बराबर हुई कि नहीं हुई? हम उसको अपने बराबर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। प्यारे भाइयों, विरोध फंसने की बात हमने कहा ना कि हमारे ऊपर या हमारे संगठन के ऊपर कुछ लोग हंसते हैं, तो बताना चाहता हूं, परिवार में बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और बाकी लोग ना, वही हंसी है इनकी जो विरोधी है, उन्हें हंसने दीजिए। हमने जन्म ले लिया है, हम बताना चाहते हैं उनको, हम सिखाना चाहते हैं उनको कि देख लीजिए ये बच्चा कितना कमाल कर सकता है, और ये बच्चा, इस बच्चे का जन्म तभी सफल होगा जब ननिहाल भी मेरे साथ हो, परिवार भी मेरे साथ हो, विरोधी भी मेरे साथ हो, प्रतिद्वंदी भी मेरे साथ खड़े हो। हम तो भाई विधायक जी के पीछे चले वाला व्यक्ति है वह कार्यक्रम नेता, कि इधर चिलमन से ये ताके, उधर चिलमन से वो झाके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झाके न वो ताके। तो भैया ये आग, ये मसाल आपको जलानी है, कुछ लोग